दोस्तों सर्दियों के आते ही मछली का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और लोगों में मछली के इस्तेमाल को ज्यादा पसंद किया जाता है। हर घर में मछली मुख्तलिफ अंदाज में पकाई जाती है और कहीं पर तो लोग बाहर जाकर भी मछली के मजे लेने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे एक तो ये होता है कि सर्दी का मजा दुबला हो जाता है और इसके अलावा लोगों को मुख्तलिफ पकवान चखने का भी जायका मिलता है। मछली को मुख्तलिफ इकसाम में पकाया जाता है, कभी फ्राई किया जाता है और कभी सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मछली के इस्तेमाल के हवाले से क्या फवाइद हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसके हवाले से तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या सबक मिलता है और इस्लामी पर्सपेक्टिव से मछली की क्या अहमियत और फजीलत है। लेकिन दोस्तों इस पर मजीद बात करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने तो भी रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि आपको हमारी तमाम न्यूज मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों मछली दुनिया में मरगूब गिजा समझी जाती है, इसकी कई इकसाम है लेकिन इसकी हर किस्म जुदा तिब्बी खसूसियात की हामिल है। दोस्तों अगर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मछली को देखा जाए तो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मछली के तिब्बी फवाइद का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह गिजाई और तिब्बी फवाइद की वजह से ही मछली की गोश्त की खास तौर पर इजाजत अता फरमाई। दोस्तों सफेद मछली में चिकनाई बहुत कम होती है, जबकि तेल वाली मछली में गैर सैर शुदा चिकनाई की बहुत ज्यादा मिकदार होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के तनासुब को खुद ब खुद कम कर देती है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा लोगों का मसला क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी में मुबतला हो रहे हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हो जाता है। इसके लिए लोग वॉक्स करते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी मछली इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है, जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल के तनासुब को कम कर देती है यानी कि उसको काबू में रखती है, तो आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो नहीं करनी पड़ती और आप आसानी डायबिटीज और शुगर जैसी बीमारी से इलाज हासिल कर लेते हैं। दोस्तों इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इब्ने माजा ने अपनी सनन में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दो मुर्दे और दो खून हलाल किए गए, मछली और टिड्डी। जिगर और तलहाल बस्ता खून मछली को अरबी में सिमक कहते हैं और इसका गोश्त और तेल दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डिप्रेशन, कैंसर, जिल्द जख्म और दूसरे बहुत से अमराज में मुफीद साबित होता है। दोस्तों मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के अमराज में एक बहुत मुफीद चीज है और मछली का तेल माँ के पेट में बच्चे की आँखों और दिमाग की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। दोस्तों मौकी को अदबा कहते हैं कि समुद्री मछलियाँ बेहतर, उम्दा, पाकीजा और जूद हजम होती हैं। ताज़ा मछली हारित रितब होती है और देर हजम होती है, इससे बलगम की कसरत होती है, मगर दरियाई और नहर की मछलियाँ इससे मुस्तस्ना हैं, इसलिए ये बेहतर इखलात पैदा करती हैं। दोस्तों बदन की शादाबी अदा करती हैं और गर्म मिजाज लोगों की इससे इसलाह होती है। दोस्तों मछली का सबसे उम्दा हिस्सा वो है जो दुम के करीब होता है और ताज़ा फरवा मछली का गोश्त और चर्बी बदन को ताजगी बख्शता है और इंसान पहले से ज्यादा कुशादा महसूस करता है और इंसान को खाने के बाद मजा जरूर आता है। यही वजह है कि सर्दियों के आते ही ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर रश लग जाता है जहाँ पे मछली की वाफिर मकदार मौजूद हो या जो रेस्टोरेंट्स मछली की वजह से मशहूर हो, तो वहाँ ऐसे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा रश लग जाता है और इसकी वाहिद वजह यही है कि लोग सर्दियों के मौसम में मछली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक से दो मरतबा मछली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इससे इंसानी सेहत काबू में रहती है और लोग तंदुरुस्त तवाना रहते हैं। दोस्तों इसी हवाले से आपको एक और वाकया बताते चले कि एक वाकया जो कि बहुत मशहूर है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर हजरत अबू उबैदा बिन जराह थे। जब हम साहिल बहर तक पहुँचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख में हमने दरख्तों के पत्ते झाड़ कर खाए। इत्तेफाक से समंदर की मौजों ने एक उबर नामी मछली फेंकी जिसको हमने 51 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया जिससे हमारे जिस्म फरबा हो गए और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मछली की एक पसली को खड़ा किया और एक शख्स को ऊंट पर सवार करके इस पसली की कमान के नीचे से गुजारा तो इसके नीचे से वो बआसानी गुजर गया। दोस्तों बात करते हैं कि मछली को बगैर ज़बह हलाल कैसे करार दिया गया है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में सवाल उभरता है कि मछली ज़बह किए बगैर क्यों खाते हैं, हालांकि तमाम जानवरों को ज़बह करके खाने का हुक्म है
तो इसकी ऐसी क्या खास वजह है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब साइंस इस तरह से देता है कि जानवर के जिस्म में जो खून होता है ये बैक्टीरिया और बाकी जरासीम के रहाइशगाह है। जब हम जानवरों को ज़िबह करते हैं तो दिल और दिमाग का रिश्ता टूटता नहीं, दिल जिंदा रहता है और जिस्म का सारा खून ज़िबह की हुई शरियानों से बाहर निकल जाता है। इस तरह गोश्त हलाल और पाको साफ हो जाता है। अगर ज़िबह न करें, जानवर को झटके से काटा जाए तो दिल भी उसी वक्त मुर्दा हो जाता है और जानवर के जिस्म का सारा खून गोश्त में जज्ब हो जाता है और वो गोश्त फिर खाने के काबिल नहीं रहता और ना ही हलाल होता है। इसलिए हम ज़िबह शुदा जानवर का गोश्त खाते हैं। झटके वाला गोश्त इसलिए खाना मना है कि इस गोश्त से खून निकलता नहीं बल्कि खून गोश्त में जज्ब हो जाता है। दोस्तों, मछली को ज़िबह करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके पूरे जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला के खास निज़ाम के तहत तब्दील हो जाता है। इसके जिस्म का सारा खून इसके पानी से बाहर आते ही इसके मुंह में मौजूद खलपड़ों में जमा हो जाता है और इसके जिस्म का सारा गोश्त अल्लाह ताला की कुदरत से जरासीम और खून से पाक और साफ हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबह करने की जरूरत नहीं पड़ती और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कुरान पाक में हर चीज के बारे में रहनुमाई फरमा दी। फिर हदीस मुबारका में भी सारी हलाल और हराम चीजों का जिक्र कर दिया और साइंस हमेशा से इस्लाम की मरहून मिन्नत रही है। फरमाने इलाही और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं और हर हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत है जिसकी तस्दीक आए दिन साइंसदान भी करते रहते हैं और वो इसे किसी सतह पर भी झुठला नहीं सकते क्योंकि तमाम बातें हिकमत भरी होती हैं और तमाम हकाइक और फैक्ट्स पर बेस करती हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि मछली का जो तेल होता है वो भी बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है और बहुत ज्यादा बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियों के तेल से बहुत ज्यादा बीमारियों से शिफा भी मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स भी अक्सर मछली का जो तेल होता है वो अक्सर उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको इससे मुतालिक बीमारी होती है। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि मछली के तेल से कौन सी बीमारी का हल होता है, कौन सी बीमारी का इलाज होता है और मछली के तेल के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, एक नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी से भरपूर मछली का तेल दिल के आर्जे समेत बेशबहा फवायद का हामिल है। दोस्तों, मछली के तेल से मजमूई तौर पर इंसानी सेहत में बेहतरी आती है जिसमें हड्डियों के दर्द में आराम, बीनाई का तेज होना, नाखून, बाल, कील महासों समेत जिल्द के दीगर बीमारियों का इलाज मौजूद है, जिगर की बीमारी, फैटी लिवर में आराम, जहनी दबाव में कमी और वजन में कमी समेत बहुत ज्यादा बीमारियों में ज्यादा मुफीद साबित होता है और इसमें जो मछली का तेल है वो बहुत ज्यादा मददगार भी साबित होता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो कि बहुत ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खाने पीने के हवाले से शोहरत रखती है और इस हवाले से अपनी करारदादें पेश करती है, इस तंजीम के मुताबिक एक हफ्ते में तकरीबन 1 से 2 बार मछली का इस्तेमाल लाजमी है। अगर मछली खाना पसंद नहीं तो मछली का तेल स्प्लिमचिस की शक्ल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मछली के तेल की कैप्सूल व आसानी दस्तियाब भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इंसान बीमारियों से बचा रहना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा अमरीकी यूनिवर्सिटी बारोड के प्रोफेसर जो मैंसन की जानिब से की गई एक तहकीक जिसमें 26,000 अफराद ने हिस्सा लिया था और इसका दौरानिया 5 वर्षों पर मुश्तमिल था। तहकीक के नतीजे में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। दोस्तों, प्रोफेसर जोएन के मुताबिक बजाहिर एक मामूली सा समझा जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली का तेल हैरत अंगेज फवायद रखता है। तहकीक के मुताबिक मछली का तेल दिल की तकलीफ का बाइस बनने वाले असबाब की रोकथाम करता है और दिल का दौरा पड़ने से रोकता है। तहकीक के दौरान ओमेगा 3 का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से कराया गया जिसके बाद प्रोफेसर जोएन ने अपनी तहकीक में इस बात की तस्दीक की कि दिल की सेहत के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि मछली का तेल बहुत बेहतरीन है और इससे बहुत ज्यादा इंस्टेंटली बंदे को इस बीमारी से शिफा मिल सकती है और इंसान पहले जैसा सेहतमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मछली के कितने फवायद हैं, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में इसकी क्या अहमियत है और मछली को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि हम आपके लिए किन टॉपिक्स को कवर करें, आपकी रिकमेंडेशंस पर हम टॉपिक चूज करेंगे और उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी रहनुमाई भी हो सके और आप उस वीडियो से महजूज भी हो सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल आसानी से और आजादी से कर सकते हैं।
आपकी राय का हमेशा एहतराम किया जाता है और आपकी राय को मद्देनजर रखते हुए हम अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि आपको तमाम वीडियो से मुतालिक अपडेट्स मिलते रहें और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह और मुस्तफीद होते रहें ताकि आपके इल्म में भी इजाफा होता जाए और आपको लुत्फ भी मिलता जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत इस अपनेपन के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने साथ और लोगों का भी ख्याल रखेंगे। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।